नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनजीत सिंह एंड आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल ओमनी साइंड एंटरटेनर में। तो दोस्तों, आज हम ड्राइव करने वाले हैं स्कैनिया मार्को पोलो की नई बस, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस रोड ऑफ रोड्स पर आज हम ड्राइव करेंगे। देखिए, बस का एक बार मुआयना कर लेते हैं। बस में मैंने ऑफ रोड टायर्स लगाए हैं क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और देखिए, पैसेंजर्स पूरे बैठ चुके हैं बस में, और देखिए बस के स्ट्रॉन्ग टायर्स, बस का इंटीरियर बहुत ही प्यारी लुक और बहुत ही बेहतरीन कलर के साथ बस। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि रास्ते में बहुत सारे उबड़ खाबड़ एरियाज हैं, इसलिए मैंने इस बस में स्पेशल ऑफ रोड टायर्स लगाए हैं। आप देख सकते हैं टायर बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, ब्लैक शीशे, और बहुत ही प्यारी ये बस स्कैनिया की। दोस्तों, ये स्कैनिया J7 बस है, और ये जो गेम का वर्ज़न है 1.331 है गेम का वर्ज़न, और ये आप शेयर मोड से या e2sworldmods.com से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। आपको यहाँ वहाँ पर इसका e2s मोड करके गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, अब चल पड़े हैं हम, गाड़ी को हमने बैक ले लिया है। अब मुझे सीधी करनी होगी गाड़ी और फिर आगे ख़तरनाक रास्तों की तरफ बढ़ना होगा। तो देखिए, चल दिए हैं हम। और दोस्तों, आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और देखिए, बहुत ही बढ़िया ऑफ रोड पर ड्राइविंग का अलग ही एक्सपीरियंस होता है। देखिए घर कितने सही बने हुए हैं रास्ते में, और ये देखिए रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है पहाड़ी की वजह से, थोड़ा सा मुझे राइट में जाके काटना होगा और बहुत ही सावधानी से काटना होगा। देखिए गाड़ी का अंदर का इंटीरियर बहुत ही ब्यूटीफुल, सीट्स पर लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही स्वीट बस, सारे पैसेंजर आराम से बैठे हुए हैं और पैसेंजर की सेफ्टी भी हमारे हाथ में होती है। वाओ, मार्को पोलो का लोगो स्कैनिया की ये बस, बहुत ही प्यारी हैंडलिंग बस की, और ऑफ रोड टायर्स लगने के बाद बस बहुत ही बेहतरीन चलती हुई। देखिए रोड बहुत ही गंदा है, बट बस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बस के शॉकर्स, बस के टायर बहुत ही बेहतरीन। आगे रोड लगता है ज़्यादा डैमेज है, इसलिए उन्होंने राइट हैंड साइड पर स्लो डाउन का मार्क लगा रखा है ताकि बस को धीरे धीरे कर लूँ। और देखिए बहुत ही ख़तरनाक रोड, ओ माय गॉड, यहाँ से तो बहुत ही प्यार से निकालनी पड़ेगी क्योंकि अगर ज़रा सा टायर बाहर गया तो गाड़ी नीचे खिसक जाएगी। और आगे देखिए उन्होंने लगा रखा है कि आगे रोड डैमेज है, बट यहाँ से तो निकालनी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी गाड़ी, आगे बहुत ही ब्लॉकेज है। पर देखो, ट्राई करना ही पड़ेगा क्योंकि अब हम पीछे नहीं जा सकते, तो आई थिंक तो निकल जाएगी। पेड़ सिर्फ गिरे हुए हैं, टायर इतने मजबूत हैं कि गाड़ी आखिरकार निकल ही जाएगी, बट मुझे फिर भी एक बार देखना होगा आगे से कैसे दिखता है। ओहो माय गॉड, रास्ता है वैसे, निकल भी सकती है बहुत आराम से क्योंकि जगह इतनी है, गैप मैंने देख लिया है, बस यही है कि चट्टान से गाड़ी ना टकराए। और चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टायर मुझे बाहर की तरफ करना होगा, पर ये ध्यान रखना होगा कि कहीं बिल्कुल ही बाहर ना हो जाए। अब मुझे लेफ़्ट में काटना होगा नहीं तो गाड़ी नीचे चली जाएगी। ओ ओ, 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 ओ और ये देखिए कट गई है गाड़ी बहुत प्यार से, और देख सकते हैं आप आराम से ही निकल गई, जितना मैंने सोचा था टफ होगा उतना टफ हुआ नहीं एक्चुअल में, और आराम से निकल गई। ये डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग पे, आपकी हैंडलिंग पे। और ये देखिए आगे भी पेड़ से गिरे हुए हैं तो हमें बड़े ही सावधानी से इनके लेफ्ट साइड से निकालना होगा, और अब राइट घुमानी होगी बस। और देखिए चढ़ाई इतनी ज़बरदस्त चढ़ाई है कि आप देख सकते हैं, बस का इंजन काफ़ी पावरफुल है, बट देखते हैं इसकी पावर कब तक काम आती है हमारे, चढ़ती भी है बस या नहीं। ये देखिए बहुत ही ख़तरनाक डेंजरस चढ़ाई, और जगह जगह पर उन्होंने बैरियर से लगा रखे हैं ताकि स्पीड पर नियंत्रण रखा जाए। आगे भी रोड डैमेज है, मे भी हो सकता है इसीलिए स्टॉप के बैरियर्स लगा रखे हैं।
ओहो, तो देखिए बस चढ़ती हुई फाइनली। बहुत ही तिरछा रोड है और यहाँ से बस पलट भी जाती हैं कुछ कुछ, अगर जिनके टायर मजबूत ना हो या फिर बस इसका एक तरफ भार ज़्यादा हो तो यहाँ से पलट भी सकती हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही कर्वी मोड़, और देखिए टायर, देखिए जरा सी भूल होते ही आपका गाड़ी स्लिप हो जाएगी रोड से। अब थोड़ा सीधा रास्ता तो हम थोड़ा पिकअप बना सकते हैं गाड़ी में, थोड़ी सी रेस ज़्यादा देनी पड़ेगी मुझे। वाह, बहुत ही बढ़िया रोड, मुझे इन रोड्स पर ड्राइविंग करने का बहुत ही मज़ा आता है। ऑफ रोड्स पे ड्राइविंग का अलग ही एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, तो अगर आपको भी ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और ये देखिए आगे बहुत ही ख़तरनाक खेर पिन, जिसे तिरछा मोड़ कहते हैं, कर्वी तिरछा मोड़, बट मुझे बहुत ही प्यार से काटना होगा। और ये कट गई है आराम से दोस्तों, देख सकते हो आप। और अब मुझे थोड़ा बिल्कुल अंदर लेफ्ट साइड में काट के बिल्कुल बाहर से काटना होगा, ताकि वो जो ट्रेलर, देखिए ट्रेलर किसी का, कोई ट्रक यहाँ पलटा होगा, उसका ट्रेलर यहाँ फंस गया हुआ है। और लगता है आगे, ओह शिट, यहाँ मेरी बस भी अटक सकती है, मुझे थोड़ी सी पीछे लेनी पड़ेगी आई थिंक पूरा प्रॉपर काटने के लिए। और बस इतनी लंबी है कि मोड़ थोड़ा छोटा लग रहा है और टायर में भी राइट हैंड साइड वाला बाहर भी जा सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से काटना होगा। अब मुझे थोड़ा सा और पीछे करना पड़ेगा, अब शायद ये सही कट जाएगी मेरे अंदाजे से। हाँ ये देखिए, ओहो अभी भी नहीं कटी, अभी भी थोड़ी सी और पीछे करनी पड़ेगी। पर जैसे काट, ये मोड़ बहुत ही ज़्यादा टाइट है और यहाँ से काट तो लूँगा मैं, बट आई थिंक टायर बाहर ना चला जाए। वो देखिए एक टायर पूरा बाहर चला गया है, नहीं पीछे वाला, बट कुछ नहीं, हम सेफ हैं, आराम से बस कट गई है। और आगे का मोड़ और भी ख़तरनाक, देखिए बिल्कुल आराम से काटना होगा। वाह, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस रोड पर ड्राइविंग करने में। देखिए आगे और भी ज़्यादा ख़तरनाक और तिरछा हेयरपिन मोड़, ओह बहुत ही बढ़िया मोड़, और बहुत ही प्यारी कटिंग बस की, आराम से कट गई है। ओहो वो देखिए बहुत ही ख़तरनाक ये वाला मोड़ भी, यहाँ बहुत ऊबड़ खाबड़ एरिया है, बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता यहाँ बस। ओह शिट, जिसका मुझे डर था वही हुआ, बस आई गेस फंस ना गई हो यहाँ पर, क्योंकि बस के टायर और बस की रेस बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, टायर फ्रीली घूम रहे हैं। तो आई थिंक ये बस मेरी फंस चुकी है, मुझे थोड़ी सी पीछे लेनी पड़ेगी। ओह सीधा करता हूँ टायर, फिर पीछे लेता हूँ अगर होती है तो, पीछे नहीं हो पा रही दोस्तों, देख सकते हो आप यहाँ से बस। ओह ये मोड़ ही इतना ख़तरनाक है कि इस पे बस कट ही नहीं सकती। आप देख सकते हैं बस के आगे का पूरा हिस्सा ज़मीन में धस गया है, जिसकी वजह से बस यहाँ से निकालनी बहुत ही मुश्किल, पर शुक्र है थोड़ी सी पीछे हुई है। पर इस रोड पे तो ये बस कट ही नहीं पाएगी आई थिंक। देखिए सवारियों को भी टेंशन होती होगी, पीछे बैठी हुई सवारियाँ, बट कोई नहीं, ट्राई करते हैं कट जाए शायद। और ये देखिए बहुत ही ख़तरनाक है ये मोड़, ये पता नहीं किस तरह से बनाया हुआ है, यहाँ से निकालनी बस थोड़ी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है। पर हम ट्राई करते हैं थोड़ा आगे की तरफ और रेस करते हैं, शायद ये निकल जाए, बट देखते हैं क्या होता है। थोड़ी थोड़ी बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, बट फिर भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आगे का पूरा हिस्सा जो है वो नीचे ज़मीन में धस गया हुआ है। अब मुझे थोड़ी सी या तो पीछे लेनी पड़ेगी, बट पीछे हो नहीं रही है, देख सकते हो आप, पीछे ना होने की बजाय ये बस, ओह शिट, हम बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं, यहाँ से बस नहीं निकलेगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आगे जाना भी ज़रूरी है आप देख सकते हैं, बट ना ये पीछे हो रही है ना ही ये आगे हो रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक मोड़ था और डस्टी रोड होने की वजह से बस यहाँ फंस गई है। यहाँ तो बहुत ही बड़े टायर्स चाहिए, ऊंचे टायर वाली बस चाहिए जो आराम से इस रोड पर चल सके,
इस बस के जितने टायर हैं उस हिसाब से ये बस इस मोड़ को क्रॉस नहीं कर सकती। मुझे शायद गो टू ऑप्शन यूज़ करना होगा ताकि मैं इस मोड़ से आगे थोड़ी सी बस खड़ी करके ड्राइव करूं। बट एक बार ट्राई करते हैं। देखिए मैं पीछे पूरा रेस मैंने पीछे की तरफ दे रखी है, बट टायर घूम रहा है और बस स्टेबल है, बस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना वो आगे बढ़ रही है ना वो पीछे। आगे भी आगे की रेस देता हूँ तो बस ना आगे बढ़ती है ना पीछे। देख सकते हो दोस्तों, स्पेस दबा के गाड़ी को ऑफ करके मुझे देखना होगा, क्या पता ये चल पड़े कोई तरीका। देखिए पीछे पैसेंजर कुछ तो सो गए हुए हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा परेशान इस वजह से। और बस का टायर देखिए पीछे से घूमता हुआ, बट कोई फ़ायदा नहीं, ना ही गाड़ी आगे मूव हो रही है ना ही कुछ। आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है। और अगर हमें इस रास्ते से आगे बढ़ना है तो मुझे गो टू ऑप्शन इसमें यूज़ करना ही पड़ेगा। फिर भी मुझे इस यूज़ करने से पहले एक बार बस को बंद करके देख लेते हैं। कई बार बंद करके ऑन करने पर भी बस जो है चल पड़ती है, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा यहाँ पर। देखिए टायर पीछे से लगातार घूमता हुआ, बट बस ज़रा भी नहीं हिल रही है, पूरी तरह से धस चुकी है बस, बहुत ही डिले हो गया है। इतनी देर तक तो हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच भी जाते हैं और सवारियां भी बहुत ही परेशान हो गई हैं बैठी बैठी। और ख़तरनाक भी है, अगर कहीं बस ज़रा सी स्लिप हुई तो नीचे खाई में भी घुस सकती है। इसलिए मुझे अब बस को एक बार बंद करके ऑन करके देखना होगा, पर नहीं हो रहा, कोई फ़र्क नहीं हो रहा, तो मुझे गो टू ऑप्शन यूज़ करना ही पड़ेगा। E2S में एक गो टू ऑप्शन है जिससे आप कहीं भी कोई भी लोकेशन पर आप जा सकते हैं, आप टाइम वेदर और सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस वो ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ अपने कीबोर्ड में एक की होती है उसको प्रेस करना होता है और उससे आप गो टू का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गो टू का ऑप्शन पूरी तरह से समझना है तो मैं आपके लिए एक वीडियो और बना सकता हूँ गो टू के ऊपर, जिससे आप E2S के मैप की में हीरो ट्रक सिमुलेटर 2 के गेम के मैप में आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कोई भी लोकेशन पर जा सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ट्राई करा, बट जो बस है वो ना निकल रही है, रेस देके आगे की तरफ भी देख ली और पीछे भी करके देख ली, बट कोई फायदा नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं बस का टायर पिछला घूमे जा रहा है, बट बस ना निकल रही है वहाँ से ना कुछ, और पूरी तरह से उसका जो आगे का हिस्सा है वो धस चुका है। कोई भी एफर्ट नहीं लगा सकते अब यहाँ पर, ना ही यहाँ पर कोई क्रेन को बुला के गाड़ी को आगे करा सकते हैं हम। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है गो टू, और मैं उसे अब यूज़ करने जा रहा हूँ। अब मैंने वो मैप में पहले मुझे देखना है कि मैं कहाँ जाऊँगा। मैं जाऊँगा मेरिकस करके जो जगह है, देखिए मैंने गो टू कर दिया है। अब मैं दोबारा से उस जो कर्वी मोड है उससे थोड़ी सी आगे बस खड़ी करूँगा, पर पहले मुझे अपनी बस वाली लोकेशन पर जाना होगा। इसलिए ये आप अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करके ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मैं अभी उसी रोड पे जाता हुआ, और ये रही हमारी बस। अब मैं क्या करूँगा, अपनी इस बस को थोड़ा सा आगे लैंड कर दूँगा। गो टू ऑप्शन से आप बस को कहीं भी लैंड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब मैं लैंड करने जा रहा हूँ यहाँ पर। हम F9 प्रेस करके ये लैंड कर देंगे, और देखिए बस वहाँ से खिसक कर आगे आ गई है, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि हम उस मोड़ से बच गए हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि ये मोड़ कटना और ये मोड़ पर बस का निकलना बहुत ही मुश्किल था। और देखिए बहुत ही ख़तरनाक रोड, और जगह जगह पर काम चला हुआ है, बुलडोज़र खड़े कर रखे हैं, बट इनका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इन्होंने उस मोड़ की रिपेयरिंग नहीं करी है, जिसकी वजह से और भी काफ़ी बसेस और गाड़ियां फंस सकती हैं। बट आई थिंक, मुझे लगता है इस रोड पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है इस रोड पे, इसी वजह से शायद
यहाँ पर कोई भी इस रोड से नहीं आ रहा है, मैं ही इस रूट पे गलत फंस गया हूँ, बट मुझे तो मज़ा आता है इस रूट ऐसे रूट्स पर जाने का। तो देखिए बहुत ही सही रोड अब आगे की तरफ आता हुआ, और जंगल देखिए बहुत ही ख़तरनाक, और वाव बहुत ही प्यारी हैंडलिंग है बस की। आप देख सकते हैं इंटीरियर प्लस स्टीयरिंग बहुत ही बढ़िया, स्कैनिया की मार्को पोलो बस, वाव। अब ज़्यादा बढ़िया रास्ता है, बिल्कुल स्ट्रेट है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, बट ओ माय गॉड आगे तो बिल्कुल ही रास्ता बंद है, लगता है कोई नदी सी है उसी में से होकर जाना पड़ेगा। वाव अब मुझे इसमें बस घुसानी ही पड़ेगी, डूबेगी तो डूब जाएगी। ओ माय गॉड देखो दोस्तों रोड पूरा बाढ़ आ रखी है रोड पर, और रास्ता पूरा बस देखिए पूरी डूबती डूब गई है पूरी बस, बट फिर भी सर्वाइव करती हुई बस चलती हुई रोड पर, क्योंकि रोड इसके काफ़ी नीचे है, और ऐसे केसेस में अगर बस बंद हो जाए तो फिर बस का स्टार्ट होना बहुत मुश्किल होता है, बट हम सेफली उस पानी से निकल आए बाहर। आप देख सकते हैं सेफली बिल्कुल आराम से हम निकल आए, और अब देखिए रास्ता थोड़ा सा स्मूथ हुआ है, बट ऑफ रोड है, कहीं भी बस अटक सकती है, तो इसलिए हमें स्पीड पर नियंत्रण करना होगा, स्पीड पर नियंत्रण रख के ही गाड़ी को चलाना होगा। देखिए बहुत ही भयंकर जंगल, इस जंगल में अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है गाड़ी को ठीक करने का। ओह माय गॉड देखिए बहुत ही खतरनाक, ओ शिट थोड़ी सी ब्रेक मारनी पड़ेगी। ओह माय गॉड बहुत ही लंबी बस होने की वजह से देखिए कितनी खतरनाक कर्वी मोड़ था और कितनी खतरनाक चढ़ाई, और बस के टायर देखिए ऑफ रोड होने की वजह से ही ये टायर यहाँ पर चल रहे हैं। अगर नॉर्मल टायर से आप इस जगह पर ड्राइविंग करोगे तो ये बस तो बिल्कुल ही नहीं हिलेगी और आपके टायर स्लिप होते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और बट ऑफ रोड टायरों का यही फ़ायदा है। देखिए ऑफ रोड टायर होने की वजह से बस बिल्कुल आराम से इन रोड्स पर जाती हुई, देखिए काफ़ी ख़तरनाक और तिरछे मोड़ जिनको काटना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई, बट कट गई है आराम से यहाँ पर भी। अब राइट में देखिए बहुत ही नीचाई, उबड़ खाबड़ रास्ता, घना जंगल, बहुत ही प्यारी लोकेशन, बहुत ही मज़ेदार व्यू आप देख सकते हैं, लोकेशन बहुत ही अच्छी, और देखिए आगे बहुत ही ख़तरनाक मोड़, बिल्कुल तिरछा मोड़, यहाँ पे बस बिल्कुल तिरछी भी हो सकती है। ओ शिट देखिए आप देख सकते हैं, ओ माय गॉड अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी भूल हुई तो गाड़ी पलट जाएगी, बट बहुत ही आराम से काटी मैंने ये गाड़ी। ओ, ओ, ओ देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लोकेशन, और रोड ऑफ है, ऑफ रोड होने की वजह से गाड़ी का बहुत दम लगता हुआ, बट ऑफ रोड टायर्स अगर आपने लगवाए हैं बस में तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे रोड्स पर, आप जितनी मर्जी चलाएं गाड़ी और बहुत ही आराम से आपकी गाड़ी चल भी जाती है। लगता है अब हम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है अपनी डेस्टिनेशन पे, हम डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। और दोस्तों देखिए आगे फिर से वैसी ही तिरछा, वैसा ही तिरछा मोड़, और काफ़ी चढ़ाई पे है ये मोड़, और बिल्कुल आराम से हमें काटनी पड़ेगी। ओह शिट अगर टायर बाहर चला गया है बिल्कुल, अब ओ ओ ओ, ओ, ओ देखिए फंस गई है बस, थोड़ी सी बैक लेनी पड़ेगी मुझे बिल्कुल सीधी सीधी। ओके चलो चलो थोड़ी सी और लेनी पड़ेगी। देखिए शॉकर्स बस के बहुत ही अच्छे हैं, देखिए आप शॉकर्स का कमाल देखिए, काफ़ी बढ़िया शॉकर्स, बट जहाँ पर पहले फंसी थी उस पे तो ना ये शॉकर काम कर रहे थे ना ही ऑफ रोड टायर्स। अब देखिए बिल्कुल ख़तरनाक ऊंची चढ़ाई, और वाह देखिए कितनी स्ट्रेट चढ़ाई, इंजन का पहले गियर में ही चढ़ती है बस, बट आराम से चढ़ गई, ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, स्कैनिया की बस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंजन जिसकी वजह से ये बस चढ़ गई इजली, और बहुत ही प्यारी हैंडलिंग दोस्तों। आगे एक शहर आ गया है, हमें वहीं जाना है, वहीं पर हमें रुकना है, और फिर कल सुबह दोबारा से निकलना है।
तो अभी आज का ये एपिसोड बस इसी शहर तक का था, और अगले एपिसोड के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल बटन के आइकन को दबाकर, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें, ताकि आप मेरे वीडियोस को देख सकें और मेरी वीडियोस को पूरा पूरा एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर ट्रैफिक आ गया है, ट्रक्स कार्स मिलनी शुरू हो गई हैं, और अब हमें यहीं पर रुकना है। यहीं तक का सफ़र था हमारा, और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा मुझे पीछे करना पड़ेगा और फिर इसे प्रॉपरली लगाना होगा, थोड़ा सा आगे करके अब प्रॉपरली लगा देता हूँ मैं। तो दोस्तों आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ।